আমরা সরাসরি এবার নজর রাখব দিল্লিতে, সেখানে আদিবাসীদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রকৃতি সে সংসাধন লেকর ভি উসে সংরক্ষিত করতে হ্যায়, উসকা সংবর্ধন করতে হ্যায়, ইসকি প্রেরণা হামারে আদিবাসী ভাই বহন হমে লাগাতার দেতে রহতে হ্যায়। আর ইহি বাত আজ ভারত পুরে বিশ্ব কো বতা রাহা হ্যায়। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैंबू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैंबू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैंबू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में